मेरा धर्म कहता है कि अपने स्वामी के आदेश का पालन करूं और मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए वचनबद्ध हूं। अद्भुत महादेव, राजा हरिश्चंद्र ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने कर्म का सत्य कहा नारायण, परंतु यह स्मरण रखें कि इस अनुपम उदाहरण को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने शनि का योगदान अप्रतिम है। शनि ने ही राजा हरिश्चंद्र को यह अनुभव करवाया कि संबंध देह से नहीं कर्म से होना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति सदैव शनि की कृतज्ञ रहेगी। मानता हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं तारामती, परंतु इस समय मैं डोम का दास हूं और मेरे स्वामी का आदेश कि बिना शुल्क लिए इस घाट पर किसी का अंतिम संस्कार ना करो। तुम्हें शुल्क तो चुकाना ही होगा। माता पिता के होते हुए संतान को अंतिम संस्कार से वंचित होना पड़े, यह किसी के लिए भी लज्जा का विषय है राजन। और आज अपने पुत्र के शव को लज्जित होने से बचाने के लिए एक माता अपनी लज्जा, अपनी गरिमा को भी त्यागने से पीछे नहीं हटेगी। एक स्त्री का जीवन स्वयं का नहीं होता, आधा वो अपने पति को दे देती है और आधा अपनी संतान को। तो आज अपनी संतान की आन के लिए मैं उसके भाग का त्याग करती हूँ। शुल्क के रूप में मैं अपने वस्त्र का आधा भाग आपको देती हूँ। तो बोलिए राजन, क्या ये शुल्क पर्याप्त होगा? रुकिए देवी, अब तुम्हें और क्या चाहिए शनि? सब कुछ तो छीन लिया तुमने मेरा, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्यागा, तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। तुम जब भी आते हो अपने साथ समस्या लेकर आते हो। अरे अब तो मेरा पीछा छोड़ो। मैं समस्या नहीं लाया हूं राजन, आपको बताने आया हूं कि आपकी समस्या समाप्त हो गई है। आपके संकट का काल समाप्त हो गया है। मैं आपको बताने आया। क्या प्रायश्चित विश्वामित्र का ऋण चुका चुके हैं। आपने वचन दिया था कि आप सत्य को अपने कर्म से विलग नहीं करेंगे और एक के बाद एक चुनौती आने के पश्चात भी आप सत्य के मार्ग पर टिके रहे, इसलिए आपकी पीड़ा का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बस बहुत हुआ तुम्हारा उपदेश, तुम्हारा मंतव्य क्या था उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, तुम्हारे कारण मैंने अपने पुत्र को खोया। अब उसके पश्चात संसार का राज्य भी मिल जाए तो मेरे लिए उसका कोई मोल नहीं। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा शनि। यदि सत्य के लिए मैंने अपना वचन निभाया है तो मेरा ये वचन भी सत्य हो। संसार में कोई तुमसे प्रेम ना करे, सब तुमसे भयभीत हो, संसार तुमसे, तुम्हारी दृष्टि से, मार्ग पे लाने के तुम्हारे इन उपायों से सदा 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 के लिए भयभीत रहे। तुम्हें कभी प्रेम नहीं मिलेगा शनि, कभी नहीं। अंततः मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ शनि, मेरा पृथ्वी पर आना सफल हुआ। अब तुम जा सकते हो शनि। सत्यवादी है आप, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। मैं बस ये कहने आया था कि जो कष्ट आपने भोगे वो कष्ट नहीं परीक्षा थी। आपके पुत्र रोहिताश्व को फिर से जीवन दान मिला है। रोहिताश्व, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए राजा, इसी कारण जो पहले आपका था वो आज भी है। आपका राज्य, आपकी प्रजा, आपका वैभव और आपका परिवार। आपने सूर्यवंशियों का नाम और भी अधिक ऊंचा कर दिया राजा। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। और रही बात मेरी दक्षिणा की राजन, तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर तुमने मेरी दक्षिणा दे दी। इस परीक्षा में आप केवल शनि के कारण सफल हुए हैं, उसके सहायता के कारण। अब युगों युगों तक ये संसार आपका नाम कभी नहीं भूलेगा राजन। मैंने क्रोध में क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दो शनि, तुम मेरा उपकार करने आए और मैंने तुम्हारा उपकार कर दिया। मैं अपने शब्द लौटाता हूं। नहीं राजन, यदि आपने अपना वचन लौटा लिया तो सत्य की महिमा समाप्त हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा मंतव्य सिद्ध नहीं होगा। मुझे अपना दंड स्वीकार है, भले ही संसार मुझसे भयभीत हो। परंतु संसार आपका आदर करेगा। आज से इतिहास में आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाएंगे। जिसके मन में सत्य होगा वो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा, बल्कि सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए वो सदैव तुम्हारा आदर करेगा। मनुष्य मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता राजर्षि, क्योंकि मैं विरक्त हूं। क्योंकि मेरे लिए मेरा कर्म महत्वपूर्ण है, महादेव का दिया उत्तरदायित्व तो महत्वपूर्ण है। कोई मुझसे भयभीत हो, मुझसे घृणा करे, परंतु मैं अपने मार्ग से, अपने उत्तरदायित्व से कभी नहीं हटूंगा। शनि ने अपना प्रारब्ध चुन लिया है। अनंत काल तक मनुष्य लोक में शनि का यही स्वरूप धारणा में रहे। हम सब सहमत हैं कि शनि अपने निर्णय में कर्म फल समिति की नहीं सुनता। ऐसे उद्दंड का ना तो देव समिति में कोई स्थान है और ना ही देवलोक में। आप सब पवित्र जल की शपथ लेकर कहें कि अपने मत से नहीं डिगेंगे। देवराज, शनि भले ही उद्दंड है, कटु है, परंतु उसने जो किया उसका परिणाम शुभ था। हरिश्चंद्र का यश, कीर्ति और वैभव इस घटना के पश्चात अड़ा ही है। इसलिए मेरे विचार में शनि को एक और अवसर मिलना ही चाहिए। मैं सूर्यदेव से सहमत हूं। किसी के पूर्णतः दोषी सिद्ध हुए बिना उसे दंड देना अन्याय होगा। अब हमें शनि को एक अवसर अवश्य देना चाहिए। एक क्या सहस्त्र अवसर दो, तब भी शनि अपना मार्ग नहीं बदलेगा। क्या हुआ शनि? देवराज इंद्र को यहां देखकर आश्चर्यचकित हो। सुगंध और दुर्गंध कहीं भी जा सकती, इसमें आश्चर्य कैसा? सावधान शनि, तुम देवराज इंद्र की तुलना दुर्गंध के साथ करके दुस्साहस कर रहे हो। शनि, मैंने तो सुगंध का विकल्प भी दिया था, दुर्गंध की तुलना आपका चयन है देवराज। शनि, देवराज यहां उस विषय में बात करने आए हैं जो पृथ्वी पर हरिश्चंद्र के साथ घटित हुआ। मैंने अपना कर्म किया, उस पर बात करने की आवश्यकता क्या है? परंतु तुमने हरिश्चंद्र और उसके परिवार को भीषण कष्ट दिए। शनि, जल को शुद्ध करना तो उसे ताप देना होता है, यही मेरा कर्म। जो हुआ वो हुआ, बड़ी बात यही है यान सुखद रहा। शनि, मानते हैं कि तुम्हारा मंतव्य शुद्ध था, परंतु देवों को लगता है कि तुम्हारा मार्ग अनुचित था, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। ठीक है, मैं क्षमा मांगने को सज्ज हूं, परंतु जैसा आपने अभी कहा देवी संज्ञा कि मेरा मंतव्य शुभ था, इसलिए मैं उससे ही क्षमा मांगूंगा जिसका मंतव्य सदा शुभ रहा है। कहिए देवराज, क्या मैं आपसे क्षमा मांगूं? या आपसे सूर्यदेव? या आपसे देवी संज्ञा? क्षमा सुपात्र से मांगी जाती है और यहाँ सुपात्र कोई नहीं कि मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। कदाचित आपका निर्णय उचित था देवराज। यह उद्दंड किसी अवसर का पात्र नहीं है। और अब सूर्यदेव प्रतिज्ञा लेंगे कि शनि को देवलोक से निष्कासित किया जाता है। यही ना? आप मृत्युलोक में बता चुके हैं देवराज, और मैंने शपथ ली थी कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं देवलोक त्यागने को सज्ज हूं। परंतु उसके लिए आप देवों को जल, शपथ और समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ है, तुम्हें अपने किए का फल मिल गया। वो मुझे ज्ञात, परंतु इतना अवश्य ज्ञात कि आपको आपके कर्मों का फल शीघ्र ही मिलेगा। आपके पापों का घड़ा भरने ही वाला है देवी संज्ञा। अपने पाप स्वीकारने के लिए सज्ज रहना। केवल एक ही पाप किया है मैंने, एक ही भूल हुई है मुझसे कि उस विश्वासघातिनी छाया का सृजन किया। न वो पाप होता, ना ये पाप मेरे सामने खड़ा होता। आपके पापों का घड़ा भरने के लिए केवल एक ही पाप की आवश्यकता दी देवी संज्ञा, और वो पाप आप कर बैठी। माता छाया को पाप कल प्रातः सज्ज रहना देवी संज्ञा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.